हेलो, हाँ मिस्टर जान का ऑफिस है, वो बाहर गए हैं, आप कौन? क्या क्या कह रहे हैं? उन्हें मैं कह दूंगी, वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाद में बात करती हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? ये सब हुआ कैसे? धीरे 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 गुलेस, ये क्या कर रही हो? गुलेस आराम से करो, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ, तुम दोनों ने बुलाया? हाँ बस कॉफी पीने और बात करने के लिए। यहाँ यहाँ आ जाओ, बात करते ना। नहीं तो रुक जाओ, मैं ही सब करता हूँ। सनम तुम्हें पता है ना, जॉन ने जॉब छोड़ दिया है, एमरे ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी है। क्या चल रहा है ये? मुझे लगता है मुझे काम से निकाल देंगे ये लोग। पर तुम्हें इस सब की पड़ी कहाँ है? पड़ी है क्या, बताओ मुझे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये सब मुझे बताओ। मेरी नौकरी चली गई, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं रोड पर आ जाऊँगा, ऐसे थोड़ी होता है। मिस्टर जान, क्या वो सच में कंपनी छोड़कर चले गए? पागल थोड़ी ना है जो यहाँ रहेंगे, उनके डैड ने कहा है इसलिए उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है। मुझे तो लगता है अब तक ऑलरेडी उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट निकाल ली होगी। पर मिस्टर जान, हम सबको बिना मिले बिना बाय कहे कैसे चले गए? ये नहीं हो सकता। कैसे चले गए, कैसे चले गए? तो उन्हें क्या करना चाहिए था, तुम्हें किस करके जाना चाहिए था? सनम मुझे तुम बिल्कुल पागल लग रही हो। क्या ये सोचती हो कि तुम्हें वो यहाँ गुड बाय कहने के लिए आएंगे? तुम पागल हो क्या? मुझे तो बिल्कुल पागल लगती हो। ये बिल्कुल पागल हो गई है, ये लड़की पागल हो गई है, मैं कह रहा हूँ तुमसे। ठीक से दबाओ, ठीक से, कौन बुलाया? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमें मिस्टर जान को अभी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मैंने तो उन्हें बहुत सारे कॉल किए पर उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। घर पर कॉल करो, फ्रेंड्स को कॉल करो, ऑफिस में ढूंढो, कहीं भी हो उनको ढूंढो, बस। चाहो तो उनकी गर्लफ्रेंड को कॉल करो, बस उन्हें ढूंढ निकालो कहीं से भी। मिस दरन, मुझे बताइए फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या, तो मैं फिर से परेशान होना शुरू करूं? इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स असेंबली ने उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की है और कल सुबह चेयरमैन मिलना चाहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है, जल्दी ढूंढो उन्हें वरना वो कभी भी उनके लिए फोटोज नहीं ले पाएंगे। उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई। हम जितना कर सकते हैं उतना तो कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मिस डेरन, वो मैं मिस्टर जान को ढूंढने के लिए जा सकती हूँ क्या? सनम, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तुम उन्हें ढूंढोगी कैसे? अभी के लिए हमें अकेला छोड़ दो। सनम जाओ, तुम भी कोशिश करके देख लो, शायद वो तुम्हें मिल जाए। अब हैकर कहाँ से ढूंढूं? किसी के पास जवाब भी तो नहीं है। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ, अब इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं? आई स्वेयर में डेंजर में फंसना चाहता हूँ। आई स्वेयर मुझे डेंजर चाहिए। घर और बर्तन साफ करने से भी मेरी टेंशन कम नहीं हो रही है। क्या बताऊँ, घर इतना गंदा था कि मन कर रहा है कि उस्मान को बुलाऊं और उससे घर की सफाई करवाऊं। घर इतना गंदा हो रहा है कि साफ कर करके कर करके उसकी कमर टूट जाएगी और फिर वही गंदा कपड़ा उसके मुंह में ठूस दूं। लेकिन क्या करूं, उसकी बॉडी इतनी अच्छी कि मुझे डर लगता है। मुजफ्फर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं उसकी दुकान लूटने के बारे में सोच रहा हूँ। मन कर रहा है कि उसकी दुकान में गुंडों को भेजूं और उसकी सारी चिकन चुरा लूं, सारा सामान चुरा लूं, जिससे वो बर्बाद हो जाए, पाई पाई का मोहताज हो जाए और उसके हाथ में कटोरी आ जाए। अच्छा ये बताओ कि इंटरनेट पर ऐसा काम करने वाला कोई मिलेगा क्या? तुम्हारी नॉलेज में कोई है क्या, मुझे बताओ ना। मुजफ्फर, तुम जानते हो ना तुम मेरे भाई की बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, तुम्हारा भाई है उस्मान, समझ गया। लेकिन तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या तुम्हारा भाई, किसे चुनोगी तुम बताओ? उस्मान मेरा भाई है। तुम कहीं बाहर क्यों नहीं जाते और थोड़ी ताजी हवा खा कर आओ? अगर तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया है तो अपना मन कहीं और बहलाओ। जाकर खुली हवा कहाँ खाऊं, मुझे तो सांस भी लेने नहीं हो रहा है, सच कह रहा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं अपनी खाली दुकान में जाता हूँ, उस्मान के सामने दुकान खोलूंगा मैं और उसे बर्बाद कर दूंगा मैं। ऐसा कंपटीशन दूंगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गया, तुम दोस्त के नाम पर गद्दार निकली, तुम्हारा भाई है ना वो, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। उस्मान, तुमने मेरी जिंदगी की बैंड बजा दी, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। क्या, चलो किसी ने जवाब तो दिया, मेरा नाम पूछ रहा है। ठीक है, मैं अपना असली नाम तो बता नहीं सकती, इतनी बेवकूफ नहीं। अच्छा तो इसे मेरा नाम ही चाहिए। अरे तू है कौन, मैं अपना नाम क्यों बताऊं तुझे? हाय एहान, कैसी हो? इससे मेरा नाम कैसे पता चला? अरे अब तो मैं फंस गई, पता नहीं ये कौन सी बड़ी मुसीबत है।
हेलो, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज इतनी बेस वाली क्यों लग रही है? हैकर हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, सच बताना प्लीज। तुम्हें मेरे बारे में और क्या क्या पता है? हाँ हाँ, राइट, मैं जॉब करती हूँ, ये सच है। तुम्हें इसी बारे में बात करनी थी, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? नहीं, हम मिल नहीं सकते, एक्चुअली काम कुछ ज्यादा है ना, इसीलिए थोड़ा बिजी रह रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी तुमसे मिलने की, ठीक है? हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ जल्दी हो रहा है? हाँ ठीक है, देखो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे नहीं, कहाँ फंस गई मैं, पता नहीं अब क्या होगा। हाँ बोलो अयहान। हेलो सनम, कहाँ हो तुम? मैं मिस्टर जान को ढूंढने के लिए निकली हूँ, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बोलो क्या हुआ? मैंने हैकर को ढूंढ लिया है, ठीक है? वो कह रहा है उससे मिलना है, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं मिलने नहीं आ सकती, मिस्टर जान को ढूंढना है, बड़ी गड़बड़ हो गई है। अगर कल तक उन्हें नहीं ढूंढा तो प्रॉब्लम हो सकती है, समझो। ऐसे कैसे नहीं आ सकती यार, मैं थोड़ी ना किसी अनजान लड़के से मिलने जाऊंगी, और वो भी अकेले। क्या तुम्हें पता है उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, उसके पास मेरे फोटोज भी है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे अब ब्लैकमेल करे, प्लीज तुम समझ रही हो ना? मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकती, तुम भी चलो ना। मैं जेजे को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो तुम्हारे साथ आएगा, आप ठीक है? जेजे कौन? जेजे वो जेजे मैचो मैन है ना, वो मेरे साथ रहेगा तो मुझे सेफ महसूस होगा। सनम प्लीज उसे लेकर आओ, मुझे अच्छा लगेगा। अयहान प्लीज चली जाओ। ये तो मिस्टर जान की कार है। शायद यही होंगे। कहाँ हो तुम जीजे यार? एक्सक्यूज मी, आप मेरी हेल्प करेंगे? क्या आपने बड़ी बॉडी वाले और दाढ़ी वाले आदमी को कहीं जाते हुए देखा है क्या? हमने नहीं देखा। क्या यहाँ कोई आसपास रिसॉर्ट है? मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। हाँ वो तो आप ढूंढ लेगी, लेकिन यहाँ आसपास में कोई रिसॉर्ट नहीं है। हाँ 5-6 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाके एक रिसॉर्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जा पाए तो। आप जाके उन्हें ढूंढिए ना, शायद वो मिल जाए आपको। वो ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। थैंक यू।